बहुत सारी बातें धीरे धीरे हम आगे पढ़ते खोलते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत टंडन जी, किस रूप में देखा जाए, दो तीन घटनाक्रम, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का बंगला खाली करना, ये भी आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जब बंगला खाली कर रहे थे तो वहां पर आप देखिए उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी, उनकी माता जी एक्स सीपी के घर पर रहूंगा कह रहे हैं, यानी कि सोनिया गांधी जी भी थी, और बाकी तस्वीर उनकी बात आप सब सुन चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? राजीव जी, जैसा आपने कहा कि लोग मकान के लिए पार्टी बदल रहे हैं, और इस दौर की राजनीति में इस तरीके से चाबी हैंडओवर करना एक बड़ा विलक्षण मौका है जो देखने को नहीं मिलता है। तो राहुल गांधी ने ये तो मिसाल एक कायम की है कि ऐसी भी राजनीति हो सकती है जहां मकान को लेना धोना ना हो, मकान को लेकर अदालत के स्टे नहीं मांगे जा रहे हों, मकान के लिए कोई सिक्योरिटी का हवा नहीं खड़ा किया जा रहा हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है आज के दौर की राजनीति में। और इसको राहुल गांधी ने मिसाल बननी चाहिए, अच्छी चीज़ों की मिसाल बननी चाहिए, एक बात। दूसरी बात देखिए, जो राजनीति में हो रहा है तो उसमें दो घटनाएं हो रही। तो सतपाल मलिक का जो मामला है, देखिए सतपाल मलिक किस पार्टी में है, बीजेपी में है, और अभी भी हैं। उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा भी इस बारे में, तो उन्होंने कहा मैं बीजेपी में हूँ, 2004 से बीजेपी में है। तो बीजेपी के हैं वो, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, रहे हैं। अब वो एक बात कह रहे हैं जो विपक्ष उठा रहा है। अच्छा, विपक्ष क्यों नहीं उठा है? विपक्ष भी तो यहाँ पे कोई कीर्तन भजन करने तो आया नहीं है। एक पूर्व गवर्नर ऐसी बात कह रहा है, सनसनीखेज बात कह रहा है, रहस्योद्घाटन कर रहा है, एक बड़ी लापरवाही की जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तो विपक्ष उसमें उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? कोरी, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो विपक्ष के सामने बड़ी दुविधा थी कि इस मामले में वो एंट्री कैसे ले, और बार बार वो कोशिश हो रही थी। और आपको याद होगा कि 2019 में विपक्ष पुलवामा के मामले में बिल्कुल एकदम, जिसको कहें कि हथियार उसके हाथ से निकल गए थे, सब कुछ था ही नहीं, ऑलमोस्ट वॉकओवर दे दिया गया नरेंद्र मोदी को। अब विपक्ष के पास उसी पुलवामा में बाजी पलट गई। यही पॉलिटिक्स की, भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि कब गेंद किसके पाले में चली जाए। अब ये गेंद विपक्ष के पाले में चली गई है, और बड़े क्रेडिबल इंसान के द्वारा गई है। आपको याद होगा कि इसी पुलवामा के बयान में चूक हो गई, और उसमें राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को थोड़ा तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है दिग्विजय सिंह के लिए, इतने सीनियर नेता के लिए। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी दुविधा में थी इसको लेकर, खासकर कांग्रेस, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां तो राष्ट्रीय मुद्दों पर उस तरीके से बोलती नहीं है। तो उस दुविधा को सतपाल मलिक जी ने वो कर दिया, इनको हथियार दे दिया कांग्रेस को, और उठाएंगे, कांग्रेस उठाएगी क्योंकि। और अब जो सीबीआई का हो रहा है, सीबीआई का नोटिस इनके ऊपर गया है, आप याद कीजिए कि उसी इंटरव्यू में तो हमसे कह रहे थे ये सतपाल मलिक कि सीबीआई ने इनसे कहा कि आपको हम दफ्तर नहीं बुला सकते, एक हमारा सर्किट गेस्ट हाउस है, वहाँ आप चाय पीने के लिए आ जाइए, बात बता दीजिए। ये चले गए, उन्होंने बयान दे दिया, तो दो पिछले साल की बात है। अब उसके बाद सीबीआई ने कुछ नहीं किया, जिसके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए उनके, उनसे कोई पूछताछ हुई, उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब है कि नहीं हुई है पूछताछ। अब दूसरी बात यह कि देखिए, वो घोटाला अगर सतपाल मलिक उसको नहीं रोकते तो वो गड़बड़ होती। सतपाल मलिक ने तो उसको रोक दिया, वो दोनों फाइलें रिजेक्ट निरस्त कर दी, चीफ सेक्रेटरी से
तस्दीक भी कर दी कि हाँ भाई वो फाइलें पहुंच गई, निरस्त हो गया सब, लिख गया फाइल में, तो वो तो घोटाला हुआ नहीं। तो जो घोटाला हुआ नहीं उसकी जांच क्या होगी? उसकी जांच तो उनसे करनी चाहिए जिनके नाम है एफआईआर में या जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं सतपाल मलिक। दूसरी चीज की देखिए, टेक्निकल मामला है, इसमें वकील लोग अपनी राय रखेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि अनुच्छेद 361 संविधान का, उसमें आप गवर्नर और राष्ट्रपति से कानूनी जो आपराधिक मामले आप दर्ज नहीं कर सकते। अब जो गवर्नर साहब ने किया सतपाल मलिक ने, वो गवर्नर रहते हुए किया, जो एक्शन हुआ वो गवर्नर रहते हुए, उस एक्शन को वो बता रहे हैं मुझसे या दूसरे मीडिया के लोगों से, उसके लिए उनको सीबीआई का नोटिस है। तो ये तो बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है कि सीबीआई का नोटिस अब क्यों आ रहा है। तो अब इसलिए आ रहा है कि उसका राजनीतिक कारण, बड़े सिंपल सी बात है। आप सीबीआई के कार्य प्रणाली को देख ले कुछ वर्षों की, तो सीबीआई की जो टाइमिंग होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। तो वो पंजाब में चुनाव होगा तो एजेंसियां चन्नी के घर पहुंच जाएंगी, महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो पवार को संबंध पहुंच जाएगा। तो ये टाइमिंग बड़ी, एजेंसियों की टाइमिंग बड़ी अद्भुत है। तब अब उसी टाइमिंग के हिसाब से ये अगर माना जाए कि जो सतपाल मलिक ने दो तीन बातें कही हैं, चाहे वो मेरे इंटरव्यू में, चाहे वो दूसरे मीडिया के साथ जो बातचीतें उनकी हुई हैं, एक उन्होंने पुलवामा पे लापरवाही की बात की, दूसरे उन्होंने प्रधानमंत्री के करप्शन के मामले को लेकर कहा, हमारे इंटरव्यू में भी कहा कि भाई वो प्रधानमंत्री के लोग हैं, गोवा में करप्शन के मामले उठाए उन्होंने माइनिंग में, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस के लोग है, वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, हर जगह नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब बातें वो कर रहे हैं, जो कि सरकार के लिए और व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत एम्बैरसिंग है। और उसके बाद उनको सीबीआई का नोटिस जाना, तो ये तो वही टाइमिंग है जो होती रही है। एक आखिरी बात मैं केवल ये कहूँगा कि हम लोग एक हेडलाइन मैनेजमेंट के दौर से होकर गुजर रहे हैं, जहाँ किसी एक चीज़ को दबाने के लिए कुछ दूसरी हेडलाइन आती है, दूसरी हेडलाइन को दबाने के लिए कुछ तीसरा आता है। इसमें आप अतीक अहमद की हत्याकांड को भी जोड़ कर देख सकते हैं कि कैसे वो हत्या हुई और वो हेडलाइन में आ गया, उसके पहले कभी अडानी हेडलाइन पे, कभी सतपाल मलिक, कभी पुलवामा। ये हेडलाइन जो हम जंप कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि इसको कोई कंट्रोल करता है पीछे से, और अगर वो कंट्रोल करता है तो मुझे लग रहा है कि उसका डैशबोर्ड किसी और के हाथ में चला गया है। क्योंकि अतीक अहमद को हेडलाइन से बाहर करके और सीबीआई के द्वारा, यानी सरकारी तंत्र के ही द्वारा, सतपाल मलिक को वापस हेडलाइन में लाना, तो उससे मुझे लग रहा है कि उस डैशबोर्ड की हैकिंग हो गई।